हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सुनील बाबू ब्लॉग्स। अरे वो क्या है, उतना भीड़ क्यों है वहाँ? चलो चलो चलो, देखते हैं जाके क्या हो रहा है वहाँ। यहाँ रिवाज कुछ है गांव में, देखते हैं गांव का शादी में क्या क्या रिवाज होता है। कुछ ऐसा रिवाज जिसको देखने के लिए इतने सारे लोग भीड़ लगाए हुए हैं। ये कुछ रस्म है जिसमें दूल्हा रुट गया था, दुल्हन उसको मना रहा था, अब दुल्हन इसको मना ली है। देखते हैं फिर आगे, फिर यहाँ पे फिर उठ के बैठ गया। बस इसी का भीड़ था, अब सबको लगा कि कौनसी हो रहा है या क्या है। बस यही रस्म निभाया जा रहा था यहाँ पे। गांव घर में शादी में ऐसा होता है, आप सब देख सकते हैं इतना सारा भीड़ उमड़ा था। बस इसी रस्म का भीड़ है, फिर दिखाते हैं आगे आप सबको। दूल्हे के माथे पर कुछ मुकुट होता है, ये मुकुट होना चाहिए दूल्हे के माथे पर, जिसे अभी पहनाया जा रहा है। अब रस्म है यहाँ पे चिड़िया मारने का, जो दूल्हा चिड़िया मारेगा और लड़की उसका तीर जो है चुन के लाएगी, जिधर जिधर उसका तीर जाएगा वहाँ से चुन चुन के लाएगी और लड़का को फेंक देगी। और क्या कहते हैं उन चिड़ियों को भी, इस क्या बोलते हैं, इस कढ़ाई पे रखेगी, कढ़ाई है या क्या है रखने का। चिड़िया तो होता नहीं है, ऐसे कुछ ऐसे मान लिया जाता है जैसे ईटा पत्थर का। देखते हैं आगे क्या होता है इस रिवाज में। एक खेत नुकले ये सारा तीर चुन चुन के इकट्ठा की दुल्हन अब इस तीर को दूल्हे को दे देगी और ये दे रही है। लगता है अब यहाँ पे ये रिवाज ख़त्म होने वाला है, क्योंकि सारा तीर वगैरह सब वापस दे दी है चुन के। अब शायद एक बार और करेंगे, लगता तो है एक बार और होगा। देखते हैं क्या होता है। हाँ हाँ, एक बार और होगा, इससे चुन के लाएगी।
अब ये तीर कमान वाला रस्म ख़त्म हो गया है और आगे वापस घर पे जा रहे हैं सब लोग, और आगे कुछ रिवाज होगा, कुछ रस्म होगा, उसे भी दिखाएंगे आप सबको। अब यहाँ से मछली पकड़ने वाला रिवाज है, ये रस्म है मछली पकड़ेंगे 5 बार करके लड़का लड़की, जिसमें दूल्हा सबसे पहले छुपाएगा 5 बार, नहीं नहीं दुल्हन पहले छुपाएगी, इसके बाद दूल्हा, दुल्हन छुपाएगी 5 बार जिसे ढूंढ के निकालना है दूल्हा को, फिर दूल्हा छुपाएगा 5 बार, फिर उसे दुल्हन को ढूंढ के निकालना होगा। ये रिवाज है इस तरह का, इसमें जीत किसका होता है देखते हैं। ये मछली पकड़ने वाला रिवाज अक्सर गांव में ही होता है, जो शादी के बाद दूल्हे के घर में किया जाता है। अब यहाँ से कुछ अलग रिवाज देखने को मिलेगा, जिसे पैर धुलाई का रिवाज कहते हैं। उसके लिए सब गेटअप ले रहे हैं, जो लड़के हैं वो लेडीज का गेटअप ले रहे हैं, और जो लेडीज है वो बॉयज का गेटअप ले रहे हैं, यानी लड़का लड़की बन रहा है और लड़की लड़का बन रहे हैं, और इस तरह से बन के जाएंगे, कुछ नाचेंगे और डांस उस करने के बाद जाएंगे। पैर धुलाई का रस्म जो होता है वो दिखाते हैं आगे किस तरह से पैर धुलाई होता है। ये देखिए सब किस तरह का गेटअप है, देखिए ये हंसी आता है और सब खुश है, बड़ा मस्त है, सब एकदम मस्ती कर रहे हैं। देखते हैं आगे कैसा होता है ये रिवाज। सब निकल रहे हैं, घर से निकल गए हैं, अब देखिए आगे क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे कुछ डांस चल रहा है, और डांस करते करते ही वो अपना पैर धुलाई का रस्म उधर भी निभाते रहेंगे। सब एक एक करके जाएंगे पैर धुलाने के लिए, वो देखेंगे आगे आप। ये देखिए इस तरह से पैर धुलाई होता है। अरे 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 लाकन ना के ए कन्या फसलो रे कोड़िया यहाँ पर एक दूसरे के कंधे पे गंगा जल डाल रहे हैं। ये जो रिश्ते में बड़े होते हैं उनके साथ इस तरह होता है पैर धुलाने के बाद। ये पैर पकड़ के रखिए, क्योंकि इसके बाद पैसे मिलेंगे या कपड़ा कोई देता है। Thank you.
ओके फ्रेंड्स, बस अब आगे हमारे वीडियो को लाइक कर दें, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इस तरह का और ब्लॉग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सुनील बाबू ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सब। दूसरा पार्ट अगला ब्लॉग में दिखाऊंगा।